सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो में आदिल लाली ने हम लोगों को चैलेंज दिया था कि 20 किल आप लोगों ने करने हैं बीआर रैंक के अंदर। अभी जो है ना, मैं आपके लिए चैलेंज लेकर आई हूँ। अभी हम गेम खेलेंगे ना, आपको उस गेम में 20 किल करने हैं। बट हम लोग वो किल चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाए, भूया तो हो गया था लेकिन सिर्फ 11 किल के साथ। तो मैंने कहा चलो यार अगेन इस चैलेंज को लेते हैं और कम्प्लीट करते हैं। बाकी आज का वीडियो एंड तक देखना है क्या चैलेंज कम्प्लीट हुआ है कि नहीं, क्योंकि जिस दिन भाई आपका भाई फुल मूड में गेम करता है तो फिर 20 किल क्या ही चीज है। तो आज ट्राई करते हैं। यहाँ पे दो बंदे थे भाई आते साथ ही हम लोगों को, एक को तो हम लोगों ने नॉक करा, एक को बंदे ने नॉक करा था, वो दोनों किल हम लोगों ने उठा लिए। तो दो किल यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं, M14 है अपने पास और दूसरी गन। अभी यहाँ से चेक करते हैं भाई अगर कोई अच्छा सा गन मिल जाए तो। ओके यहाँ पे एक बंदा आया भाई, MP40 हम लोगों को मिली है और इसको लेते हैं सबसे पहले। या एक और बंदा आया भाई, चलो रशर टीपी रशर को यहाँ पे अच्छा हेडशॉट भाई, लॉबी काफी अच्छी है ये। ओल्ड हसन तक नहीं जिस तरीके का ना, और टीपी रशर दोनों गए। MP40 का भाई क्या है मारन। ओए एक और रशर यहाँ पे, ओनली रेड इन स्क्वाड का लास्ट ही प्लेयर आई थिंक बचा है। अगर उसको मारते हैं तो भाई ये स्क्वाड वाइप आउट हो जाना है और 6 किल तो हमारे उतरते साथ ही हो जाने हैं। 5 यहाँ पे डन है और इनका जो लास्ट बंद है ना वो मैंने देख लिया था, वो चिमनी के अंदर था, मैं लूट कर रहा था तो उसने पीछे से डैमेज दिया। बाकी एक ही हमारे पास और MP40। ये ओनली टेंशन को भी काफी अच्छा यहाँ पे AK-47 का हेड शॉट और यहाँ पे हम लोगों ने 6 किल कन्फर्म कर लिए। अभी ये लो भाई, इतनी खुशी हो रही थी कि हमने उतरते साथ ही एक क्वार्टर मारा, तो इस चक्कर में एक जगह पे खड़े होके इमोट वगैरह भी ट्राई कर रहे थे। ऊपर से बंदा उतरा, उसने ट्रीटमेंट से हेड लेके मारा है। बट कोई ना, यहाँ पे भाई स्क्वाड की बात करें तो तगड़ा स्क्वाड है SSG और बाकी तो भाई चेक ही कर लो क्या स्क्वाड है। बट कोई ना, ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने की और चैलेंज को एज सून एज कम्प्लीट करने की। ओके लूट वगैरह करके पीक पे हम लोग आ गए। या खानी को यहाँ पे MP40 का बॉडी स्प्रे और इसके साथ हम लोगों ने 7वां किल भी देखते ही देखते कंफर्म कर लिया। पी के ऊपर पूरा स्क्वाड था जिसमें से भाई हमारे स्क्वाड के 2 बंदे तो खत्म हो गए थे, बट यहाँ पे HP लो थी तो हमने कहा इनहेलर वगैरह यूज करके जिसने SSG को मारा है सबसे पहले उसको पकड़ते हैं। तो इसको पकड़ने गया तो ये बंदा भाई रिवाइव के लिए ट्राई कर रहा था अपने टीममेट्स को, तो इसने फटाक से भाई जाके ग्लूअल डाल ली शॉप के ऊपर। तो मैंने कहा इसको नहीं छोड़ना भाई किसी सूरत में। एक ग्रेनेड था वो मैंने हैंका था बट वो गया नहीं अंदर, वो बाहर ही आ गया, तो ये थोड़ा सा दिक्कत थी। चलो रॉयल शानी को यहाँ पे M10 का टोटल एक शॉट हेडशॉट लगा है, क्योंकि वो बंदा भाई पैक कर रहा था खुद को और इतने देर में अपना टीममेट नॉक हो गया। तो एक और बंदा आया था जिसको इसने रिवाइव करा था, इसको मैंने कहा सबसे पहले रिवाइव कर देते हैं, बाकी का जो काम है ना वो बाद में कर लेंगे। अभी भी 30 बंदे यहाँ पे अलाइव हैं तो अपना जो चैलेंज कंप्लीट करने के चांसेस थे ना यहाँ तक बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मैंने ट्राई करा कि 8 यहाँ से हो गए तो 8 एक और भी और लास्ट उनसे पहले हो जाते हैं तो अपना चैलेंज कम्प्लीट हो सकता है। तो मैंने ट्राई करा भाई फुल रश, जितना रश मेरे से हो सकता था उससे 10% ज्यादा करने की कोशिश की मैंने। मैं जैसे पीक वाले बंदों को मारा, नीचे अरेशनल की साइड पे बंदे थे जो कि इसको ओपन कर रहे थे, इस गेम में चाबी के बगैर वाला ऑप्शन था तो बंदे इधर ही आ गए थे। तो मैंने कहा चलो भाई इनको लेते हैं सबसे पहले, जितनी देर में उन्होंने ओपन की हम लोग पहुंच गए। ओके इनका एक प्लेयर नॉक है और ऊपर की साइड से भी एक येलो जो प्लेयर है ना येलो टी शर्ट के अंदर, वो भी अपने को डैमेज दे रहा है। कमेंट्री रैंडमली कर रहे होते तो इग्नोर करा करो कुछ बात। ओके दोनों एक साथ भाई, यहाँ पे लिटरली SSG ने मुझे ड्राई दिया था क्योंकि मुझे लगा शायद इस साइड से एनमी आ रहा है और जो नॉक पड़ा है वो मेरा किल हो सकता है अगर एनमी ने। ओए ये क्या है भाई, क्या शॉट पड़ा है लिटरली M10 की एक गोली, वो भी सर के ऊपर खोपड़ी में। लो जी नॉक हो गए और इसका किल लेते हमारे 9 किल। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार थोड़ा सा घबरा गया था, मुझे लग रहा था 9 किल तो हम लोगों ने निकाल लिए, लेकिन बंदों की तादाद बहुत कम है तो बंदे जो रिवाइव हो गए थे ये काफी अच्छी न्यूज थी हमारे लिए। खुशखबरी थी कि बंदे रिवाइव हो रहे थे,
स्क्वाड गेम की थी तो ऑब्वियसली स्क्वाड गेम में यही होता है भाई, अगर एक टीममेट मरता है तो बाकी तीन प्लेयर जो होते हैं ना वो यही कोशिश कर रहे होते हैं कि सबसे पहले जो टीममेट मरा है उसको रिवाइव कर दें। ग्रैंड मास्टर लॉबी या मास्टर से ऊपर की लॉबी जो होती है उसमें यही होता है हीरोइक से ऊपर के, क्योंकि उन लोगों को अपनी रैंक की परवाह होती है और जिन बंदों को अपनी रैंक की परवाह होती है डेफिनेटली वो बंदे कोशिश करते हैं कि पूरा स्क्वाड एंड रूम तक अलाइव रहे। और इसी का मैंने फायदा उठाया, यहाँ पे 26 बंदे अभी अलाइव है और नीचे की साइड भी एक और पूरा स्क्वाड था अभी तक। यहाँ तक जिसने वीडियो देख लिया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, बिल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो वो भी दबा दो, और बाकी चेक करो। एक लड़की थी यहाँ पे जिसको हम लोगों ने 2-3 शॉट मारे बट वो कमरे में चली गई। ओके, एक और प्लेयर था जिसको हम लोगों ने गरूसा एक्स से लिटरली ओनली बॉडी स्प्रे मारी, लेकिन ये लड़की तंग कर रही थी, मैंने कहा सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। ओके, यहाँ पे लड़की थी गाइस जिसका हम लोगों ने किल ले लिया आसानी से, 10 किल इसके साथ डन हो गए थे, और ड्रॉप वाला जो बंदा था वो भी अपना किल जो है ना चोरी हो चुका था बिल्कुल। यहाँ पे गाइस लास्ट जोन भी स्टार्ट होने वाला है और एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था जिसकी गाड़ी लिटरली मैंने फाड़ दी थी ग्रूजा एक्स से, क्योंकि ग्रूजा एक्स की पावर को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ग्रूजा एक्स हो गई, AWM बाय हो गया और SVD बाय। ओके भाई, गाड़ी फाड़ी थी तो मैंने कहा इसका थोड़ा फायदा तो उठाया जाए, जिसने जिसकी गाड़ी थी उसको भी मार दिया, नॉक कर दिया। एक बंदा नीचे की साइड था उसको भी ओनली बॉडी स्प्रे, और इन दोनों का किल कंफर्म करने के साथ साथ अपने किल्स की तादाद 12 हो चुकी थी। मेरे पास एक लॉन्च पैड था तो मैंने कहा जल्दी से लॉन्च पैड का यूज करते हैं और ऊपर की साइड चलते हैं सीधा जोन में। बंदों की तादाद में इजाफा हो गया था, 18 हो गए थे, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे लास्ट जोन के अंदर जो मशीन है वो मौजूद थी। ओके, पीछे की साइड बहुत गंदा, लिटरली एक शॉट से हम लोग बचे थे, और यहाँ पे बंदे ने स्काइलर मार दिया भाई, दिमाग यूज कर रहे हो इस टाइम पे। ऊपर एक और स्काइलर चेक कर रहे हो भाई, यहाँ पे बंदों ने भाई बहुत ज्यादा ट्राई करी कि मेरे को आराम से ले जाए बट नहीं ले पाए, क्योंकि अपने पास लूअल अच्छी थी, ऊपर से वेस्ट अच्छा था, बट यहाँ पे जो बंदे थे उन लोगों ने लिटरली यहाँ पे बाइक्स पकड़ ली थी। तो लास्ट जोन में आप लोगों को पता है आजकल फ्री फायर को इन लोगों ने GTA वाइस की बना दिया, एक तो बाइक वाला भाग गया, दूसरे की बाइक को मैंने रगड़ दिया इधर, और जैसे ही बाइक से वो नीचे बाइक फटी उतरा है सीधा एक गोली सर के ऊपर लगी और उसका किल मैंने कहा कंफर्म कर लेते हैं, इसके पास इंजेक्शन ना हो इस डर से मैंने फौरन उसका किल कंफर्म कर लिया। तो यहाँ पे अपने किल्स की तादाद बढ़ के 13 हो चुकी थी, और जब मैंने देखा कि 14 बंदे अलाइव हैं तो मैंने कहा भाई अब नहीं रुकने वाला। पीछे की साइड 2 बंदे आ गए थे, एक तो क्रिमिनल था, चलो कैसर को यहाँ पे M10 के अच्छे शॉट मारे थे मैंने, क्रिमिनल को भाई बहुत ही अच्छा लास्ट, अगर हेडशॉट नहीं लगता तो क्रिमिनल के पास जो एमपी 40 थी उसने मुझे ले जाना था। और इस जगह पे जहां पे मेरे 15 किल हो चुके थे तो मैंने टीममेट्स को बोला कि भाई आप लोग ना किल्स की तादाद अपनी कम करो, यानी जितने आप लोगों के हो चुके हैं अब आप लोगों ने सिर्फ ट्राई करना है कि डैमेज दें, आप लोग किल ना करें कि मुझे चैलेंज मिला हुआ 20 किल का और 13 में से मुझे 5 किल करवा दें किसी भी तरीके से। उन्होंने कहा भाई आप ना किल कर लो तो हम लोग आराम से वेट कर लेते हैं, लाजूम में कोई वो सीन नहीं है। SSG के पे 7 किल हो चुके थे, बाकी टीममेट्स की भी अच्छे किल थे, बाकी बंदे जोन में जा रहे थे, एक किल तो चोरी हो गया और एक किल हम लोगों ने ग्रूजा से मार लिया था, और बाइक वाले ने जानी एफ को जैसे टक्कर दी उसका किल हम लोगों ने ले लिया, नॉक हो चुका था जोन में, और इस साइड पे जो बंदा था उसको भी बहुत अच्छा डैमेज दिया, और जानी एफ का किल कंफर्म करते हुए एक और बंदा हम लोगों ने नॉक करा। यहाँ पे 17 डन हो चुके थे, 18वां नॉक पड़ा था, तो मैंने कहा इस इनके ऊपर रश करते हैं और इनमें से 2 बंदे अभी अगर हम लोग मार देते हैं जो जिंदा है तो भाई लिटरली हमारे 20 हो जाने। एक तो नॉक पड़ा था तो जितने ग्रेनेड थे मेरे पास कोई 7 से 8 ग्रेनेड थे तो मैंने बिना होक करे सारे इधर फेंक दिए, मैंने कहा एक को तो यहाँ पे हम लोगों को 3 किल मिल गए फ्री के, तो यहाँ पे हमारे 20 किल का गाइस चैलेंज जो है फाइनली डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो लाडी को अगर कोई मेंशन कर सकता है, जानता हूँ उनकी टिकटॉक आईडी लाली का, तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। बाकी ये चैलेंज कंप्लीट हो गया, अगर कोई भाई और चैलेंज देना चाहे तो नीचे कमेंट में कर सकता है, दे सकता है। बाकी सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे देख रहे हो, टिकटॉक पे फॉलो कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। बाकी गाइस इस गेम के अंदर प्लस और मैं अपने टीममेट्स की किल भी आप लोगों का एंड पे चेक करा देता हूँ, ये चेक करो भाई यहाँ पे 20 किल हम लोगों ने करना है, करा है, टाइम भी देख लो अभी कर रहा है, सिर्फ अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ।
35 यहाँ पे प्लस हुआ है और यहाँ पे किल ना मैं आप लोगों को चेक कराऊं तो एसएसजी ने 7 करे थे, अल्ट्रा ने 5 करे थे और मिस फैरी ने 4 करे थे। काउंट कर लो तकरीबन 9, 29 और 7 ये हो गए 36 किल करे थे जिनमें से 20 हमने करे थे। तो ये चैलेंज यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। तो लाइक एंड रीपोस्ट कर देना है, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम लोग कोई और चैलेंज कंप्लीट करेंगे।